सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी कोई ना कोई खबर हम सुनते ही हैं। ऐसी में अधिकांश मामले युवाओं से जुड़े होते हैं। इसी चीज को समझते हुए ग्रामीण पुलिस की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करने की उन्होंने योजना बनाई। इस संदर्भ में बात करते हुए SP विजय मगर ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों में जन जागृति हो, इस उद्देश्य से उन्हें पुलिस फॉर स्कूल, स्कूल फॉर पुलिस योजना के तहत ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिले का पदभार संभालते ही SP विजय मगर ने दर्ज होने वाले मामलों की समीक्षा की। एक वर्ष के भीतर जिले में 445 लोगों ने दुर्घटना में जान गंवाई। सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। अन्य विभागों के सहयोग से जन जागृति अभियान चलाने का निर्णय लिया। मगर ने चर्चा में बताया कि पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2016 से 2020 तक जिले में 320 से 355 लोग हर वर्ष दुर्घटना में जान गंवाते, लेकिन वर्ष 2021 में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कुल 969 हादसे हुए, जिनमें 466 लोगों की जान गई, 246 बुरी तरह जख्मी हुए। जिले की सभी तहसीलें और गांव हाईवे से सटे हुए हैं। ज्यादातर हादसे हाईवे पर हुए हैं। केवल चालान कार्रवाई करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती, इसलिए जिला परिषद के CEO योगेश कुंभेजकर के साथ उन्होंने चर्चा कर जन जागृति अभियान चलाने की योजना बनाई। एडिशनल SP राहुल माकणीकर, जिप शिक्षा अधिकारी काटोलकर और DY SP माहुलकर ने एक खाका तैयार किया। जिले में 1000 स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय हैं। यहाँ करीब 1,75,000 छात्र पढ़ते हैं। किशोरावस्था में ही उन्हें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने से वे अपनी सुरक्षा और नियमों के प्रति गंभीर होंगे। इस योजना को उन्होंने नाम दिया पुलिस फॉर स्कूल, स्कूल फॉर पुलिस। चालू वर्ष हे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणून आपण सर्वजण साजरा करत आहोत। या संबंधी रस्त्यावरील अपघात कमी होण्यासाठी आम्ही दिनांक 30 डिसेंबर रोजी माननीय गृहमंत्री साहेबांच्या समोर मी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेशजी कुंभेजकर साहेब आम्ही दोघांनी मिळून एक सादरीकरण केलं होतं। यामध्ये अपघाताचं प्रमाण कमी कसं करता येईल आणि आपल्याला मुलांना यामध्ये एज्युकेट कसं करता येईल हा एक त्यामधली थीम होती। बहुतेक वेळा असं दिसून येतं की जे अपघात होत आहेत यामध्ये जास्तीत जास्त तरुण लोकांचा मृत्यू यामध्ये दिसून येतो आणि जी वेळ आहे ती साधारणतः 12 ते संध्याकाळच्या 8 वाजेपर्यंत, दुपारी 12 ते 8 वाजेपर्यंत अशा या भागामध्ये जास्तीत जास्त मृत्यू घडलेले आहेत। तर याचा आम्ही स्टडी केल्यानंतर असं आमच्या लक्षात येतं की हे तरुण मुलांचे जर आपण तातडीने जर त्यांना काही एज्युकेशन दिलं तर यामध्ये आपण जास्त कव्हर करू शकू। त्याकरता आम्ही एक योजना आखली होती स्कूल फॉर पोलीस आणि पोलीस फॉर स्कूल। यामध्ये प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या भागामध्ये एक PSI त्याच्याबरोबर 3 ते 4 कर्मचारी आम्ही अपघातासाठी खास त्यांची निवड केलेली आहे। मागच्या 1-1.5 महिन्यापासून आम्ही त्यांना ट्रेनिंग देत आहोत आणि कशा पद्धतीने आपण अपघात कमी करू शकू, शाळामध्ये कशा स्वरूपात त्यांना आपण सूचना देऊन मुलांना कसं जागरूक करू, शिक्षक किंवा यांनी सुद्धा हेल्मेट कंपल्सरी करून किंवा गाव पातळीवरती लोकांना हेल्मेट कमी घालण्यासाठी प्रयत्न करणे या दृष्टीने सुद्धा आम्ही योजना आखलेली आहे। SP मगर ने बताया कि नागपुर जिले में पहले 15 ब्लैक स्पॉट थे, जहां उपाय योजना करने के बाद 9 स्पॉट कम हो गए, लेकिन दुर्घटनाओं का दोबारा आकलन करने पर सबसे ज्यादा 221 दुर्घटनाएं सावनेर विभाग में होने का पता चला। काटोल में 194, उमरेड में 161, कन्हान में 149 और नागपुर विभाग में 148 दुर्घटनाएं हुई। इस हिसाब से दोबारा 37 ब्लैक स्पॉट निर्धारित किए गए। नेशनल हाईवे और PWD के अधिकारियों के साथ मिलकर रास्तों में खामियां सुधारने का काम किया जा रहा है। जहां साइन बोर्ड नहीं है वहां बोर्ड, रेडियम, रिफ्लेक्टर, रेलिंग आदि का इंतजाम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।